हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। गाइस, आई होप आप सभी बहुत बड़े होंगे, हैप्पी होंगे। सो देखते हैं आगे क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। यह एक कलेक्टिव टाइम है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है। गाइस, जनरल रीडिंग है तो रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपको नहीं भूलना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आगे क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। मैटर नहीं करता कि आप सिंगल हो, मिंगल हो, कमिटेड हो या सेपरेटेड हो, ऑल साइंस रीडिंग है आप सभी के लिए है। रीडिंग क्या होने वाला है आगे आपकी लव लाइफ में। दो कार्ड्स आया है, मैं लूँगी स्टार फर्स्ट एंड सेकेंड आया है टू ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कोई पर्सन है जो कि सामने से होकर आपको प्रपोज कर रहे हैं, या तो आपको मैसेज या कॉल कर रहे हैं, या तो ये पर्सन खुद ही आपसे मिलने को आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट ऑन है, ये पर्सन खुद को वो थोड़ा सा क्रॉस रोड पर पा रहे हैं, इनको कोई डिसीजन लेना है। गाइस, हो सकता है कि ये पर्सन राइट ना वहाँ नहीं है जहाँ पर आप हो। सकता है कि ये पर्सन अलग कंट्री के हैं, अलग स्टेट के हैं, या तो अलग सिटी के हैं जो कि आप में इंटरेस्टेड हैं। और ये पर्सन आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि आपको पसंद करते हैं मैसेज के थ्रू। हो सकता है कि कुछ लोग आप सोशल मीडिया पर आप इनसे मिले हो, तो या सोशल मीडिया पर ही ये पर्सन आपको बता सकते हैं कि ये आपको पसंद करते हैं। और कुछ लोग ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मीटिंग चाहते हैं। ओके, तो मिलकर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे कि ये आपको पसंद करते हैं। कुछ लोग ले ये पर्सन शुरुआत फ्रेंडशिप से करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी फ्रेंड्स हो, तो ये पर्सन ना ऐसा सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने थोड़ा सा इनसिक्योरिटी देख पा रही हूँ, थोड़ा सा मैं फियर देख पा रही हूँ इनमें, पता नहीं कि उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे बताया, आपसे शेयर किया, तो कहीं जो आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप है ना वो भी टूट ना जाए, कहीं आपको बुरा ना लग जाए। ये पता नहीं, इनको नहीं पता कि आपकी फीलिंग्स क्या है। ये तो आपको पसंद करते हैं, पर इनको नहीं पता कि आप इनको पसंद करते हो या नहीं। एक और इनको लगता है कि आप इनको पसंद करते हो, और दूसरी ओर इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं यार आपकी फीलिंग्स क्या है। अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको बताया, आपसे शेयर किया, आपको एक्सप्रेस किया, और अगर वो बात आपको अच्छी ना लगे, आपको पसंद ना आए, या उस चीज़ से आप अगर हर्ट हो जाते हो तो क्या होगा, ये पर्सन आपको खो देंगे। ओके, तो आपको खोने का थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा फियर है, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जब से आप इनके लाइफ में आए हो, इनके लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है, और ट्रू लव पर इनको भरोसा होने लगा है, लव पर इनको वापस से भरोसा होने लगा है। हाँ, मुझे लग रहा है कि इनके लाइफ में ना थोड़ा सा ट्रस्ट इशू रहा है, या तो इनका पास्ट जो एक्सपीरियंस रहा है लव को लेकर वो थोड़ा सा अच्छा नहीं था। तो इस पर्सन की एनर्जी ऐसा है कि आपने ना इनको लव पर भरोसा करना सिखाया है वापस से, तो ये पर्सन आपको अपने लाइफ में चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब से आप इनके लाइफ में आए हो, या जब से आप दोनों के बीच बातचीत होना स्टार्ट हुई है, जब से आप दोनों ने एक दूसरे को जाना है, इनके लाइफ में पॉजिटिविटी आई है, इनके लाइफ में हैप्पीनेस आई है, और इस पर्सन को भरोसा अब हो रहा है लॉयल्टी, ऑनेस्टी पर, लव पर, और ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं। पर वही है, थोड़ा सा फियर है, थोड़ा सा डर है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भरोसे के साथ कि आपको बुरा ना लगे, या आपको हर्ट ना हो, या आप इनको पसंद करते हो, ये पर्सन ना चांस नहीं गंवाना चाहते, मौका नहीं गंवाना चाहते, ये पर्सन आपको बताएंगे। ठीक है, भले ये पर्सन आज थोड़ा सा डर रहे हैं, कि बताऊं या ना बताऊं, एक्सप्रेस करूं या नहीं करूं, पर ये पर्सन करेंगे। ओके, और अगर ये पर्सन आपके लवर हैं, आप इनको जानते हो, आपके हस्बैंड या वाइफ है, और ये पर्सन आपसे दूर रह रहे थे फिजिकली, तो ये पर्सन वापस से आएंगे। ओके, आप दोनों का यूनियन होगी बहुत जल्द, आप दोनों के बीच बैलेंस होगा। सिर्फ आप ही थे जो इस कनेक्शन पर एफर्ट्स डाल रहे थे, तो डोंट वरी, आपके पर्सन भी इस कनेक्शन पर एफर्ट्स करेंगे। ओके, आपको पूरा टाइम देंगे या आपको कमिटमेंट देंगे,
या ये पर्सन आपको एहसास दिलाएंगे कि ये आपके लिए ऑनेस्ट हैं, आपके लिए लॉयल हैं। भले ये पर्सन आपसे फिजिकली दूर रहते हैं, कोई और कंट्री में, सिटी में, स्टेट में, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। ये आपसे ट्रू लव करते हैं, आपसे सच्चा प्यार करते हैं। भले आप दोनों कितना भी ज़्यादा दूर रह जाओ या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, पर ये पर्सन हमेशा आपके लिए ऑनेस्ट रहेंगे, आपके लिए लॉयल रहेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, आपसे सच्चा प्यार करते हैं। ये पर्सन सही पर्सन है और आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि आप वो पहले पर्सन हो जिसको लेकर ये पर्सन इतने ज़्यादा पॉजिटिव, इतने ज़्यादा सोचने लग गए हैं, ठीक है। जिसको खोने का डर है इनको, ये जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच, डिस्टेंस है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं। अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो बातचीत करेंगे, मैसेज के थ्रू मुझे आप दोनों के बीच बातचीत होते हुए दिखाई दे रही है। आपके लव लाइफ में, आपकी लाइफ में मुझे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। गाइस, अगर आप सिंगल हो तो बहुत जल्द मिंगल होने वाले हो, एक मैच्योर पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली आपसे कुछ नहीं छिपाएंगे, ओके। ये पर्सन मुझे लॉयल दिखाई दे रहे हैं। जो भी हुआ है ना इनके लाइफ में, इनके लव लाइफ में, अगर इनका कुछ पास्ट रहा है, एक्सपीरियंस खराब रहा है, ये पर्सन आपसे कुछ भी नहीं छिपाएंगे, हर चीज़ ये पर्सन आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे, और यही आपसे चाहेंगे कि आप भी खुलकर इनसे बातचीत करो, आप इनसे कुछ ना छिपाओ, ओके। नए पर्सन झूठ बोलना पसंद करते हैं, ना कोई इनसे झूठ बोले ये पसंद करते हैं, ओके। नए धोखा करने वालों में से हैं, ना धोखा बर्दाश्त करने वालों में से हैं। और देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। गाइस, ट्रू लव क्या होता है, ये पर्सन ने आपको देखकर सीखा है, या तो भरोसा इस चीज पर इनको होने लग गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका पास्ट एक्सपीरियंस कुछ खराब रहा है, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं। सो जिन लोगों के लिए रहा है ना, उनके लिए आपकी पर्सन को ना आपको देखकर ऐसा लगा है कि ट्रू लव भी होता है, ऑनेस्ट लॉयल पर्सन भी इस ज़माने में होते हैं, अभी के लाइफ में होते हैं, और वो ऑनेस्टी, वो लॉयल्टी इनको आप में देखने को मिल रही है। और यही चीज़ से ये पर्सन आपकी ओर और भी ज़्यादा खींचे चले आ रहे हैं, आपकी ओर और भी ज़्यादा ये पर्सन आपसे कनेक्ट होने लगे हैं, और भी ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। यही चीज़ इस पर्सन को आपकी ओर पुश कर रहा है, यही चीज़ इस पर्सन को आपसे दूर होने नहीं दे रहा है, ठीक है। कि आप जैसा पर्सन मिलना आज के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, लॉयल ऑनेस्ट पर्सन मिलना मुश्किल है। क्या चाहिए एक इंसान को लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में, ट्रू पार्टनर, ट्रू लव। और जब आप इनको मिल गए हो तो अब ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। तो बैलेंस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अगर आप दोनों के बीच अनबैलेंस थी चीज़ें तो, ठीक है। और देखते हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। गाइस, हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना उस पर भरोसा रखिए, डाउट मत कीजिएगा, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि आप डाउट कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो ये सही चीज़ नहीं है, आपको डाउट नहीं करना चाहिए, और आपको किसी चीज़ का वेट भी नहीं करना है, क्योंकि आप जितना वेट करोगे ना उतना ही आपको वेट कराया जाएगा, इसलिए आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस चीज़ का आपको वेट था वो आपको मिल सकता है। आपको क्या चाहिए लाइफ में, या लव लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आपको क्या चाहिए? हो सकता है कि आप फैमिली का सपोर्ट चाहते हो, या आपके पर्सन का सपोर्ट चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, तो आपको मिल सकता है, ओके। वो आपको मिल सकता है जो आप चाहते हो, या हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ चाहते हैं, सपोर्ट, कमिटमेंट,
वो आप इनको दे सकते हो। ठीक है, मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है, इक्वल गिव एंड टेक दिखाई दे रहा है, आप दोनों ही मिलकर इस कनेक्शन पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप दोनों को ही थोड़ा सा फियर है, इनसिक्योरिटी है, एक दूसरे को खोने का डर है, पर आप दोनों को भरोसा भी है। ओके, और भरोसा नहीं है तो आपको करना चाहिए। आगे क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, एम्प्रेस। ओके, सो आपका मैरिज हो सकता है आने वाले 3 मंथ्स के अंदर या 3 ईयर्स के अंदर गाइस, या 3 वीक्स 3 मंथ्स के अंदर ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। ओके, या आप इनको दे सकते हो, या आप दोनों के बीच आपको फील होगा कि यह चीज़ें सही होने लग गई है। अगर कुछ चीज़ें सही नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी, अगर ये पर्सन कमिटमेंट से भाग रहे थे, ऐसा कुछ हो रहा था। देखिए, अगर ये पर्सन चीटर है ना, तो ये पर्सन आपकी लाइफ से चले जाएंगे। मैं एक बात आपको बता दूं, आप खुद इस पर्सन को अपने लाइफ में नहीं लोगे। ओके, अगर ये पर्सन चीटर हैं, धोखेबाज हैं, या हमेशा भगते हैं आपसे इस कनेक्शन से, तो ये पर्सन ना हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चले जाएंगे, चीटर। ओके, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे चीटर को आप अपने लाइफ में लोगे। ओके, सो मुझे ना बहुत सारे लोगों के लिए ये लग रहा है कि या तो आपको मैरिज का प्रपोजल मिलने वाला है, आपका इंगेजमेंट हो सकता है, शादी हो सकता है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। अबंडेंस देख पा रही हूँ, खुशियाँ देख पा रही हूँ, ग्रोथ देख पा रही हूँ। अगर आपको लग रहा था कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, स्टॉक है, चीज़ें बढ़ नहीं रही है आगे, सो मूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। ओके, चीज़ें मूव कर रही है, आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ग्रोथ देख पा रही हूँ आपकी लव लाइफ में मैं। और अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड और वाइफ हो तो आपका यूनियन होगा, अगर आप सेपरेटेड हो तो। और अगर आप साथ में हो तो आप बेबी प्लान्स कर सकते हो, आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है। ओके, आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है। क्या होने वाला है आगे आपकी लव लाइफ में, ग्रोथ तो होगी आपकी लव लाइफ का। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपके और आपकी पर्सन, आपके हस्बैंड या वाइफ या आपके लवर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर कोई आपके लाइफ में है, अगर आपके लवर या हस्बैंड वाइफ जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, सो गाइस उनके साथ ना आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, या कोर्ट मैरिज भी कर सकते हो कुछ लोग। आप लोग अगर फैमिली इशू है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो आप दोनों खुद का अपना डिसीजन ले सकते हो, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। ओके, आपके अगेंस्ट है, काफ़ी दिन हो गए फैमिली आपके अगेंस्ट है, पर आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, एक दूसरे के लॉयल हो, और आप दोनों का कैरियर भी सब कुछ सही है। सो आप डिसाइड कर सकते हो, या आपकी पर्सन डिसाइड कर सकते हैं कि चलो हम अलग से दुनिया बसाते हैं, ऐसा कुछ। ओके, और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो गाइस कोई पर्सन है जो कि आपकी ओर आ रहे हैं, पर वो आपकी जगह के नहीं होंगे। ओके, वो आपके सिटी या आपकी कंट्री, आपके स्टेट के नहीं होंगे, जहाँ पर आप रहते हो ना वहाँ के नहीं होंगे, कहीं दूर से आ रहे हैं, आपको ट्रैवल करके कहीं और जाना होगा, कोई और सिटी, कंट्री या स्टेट, पर उनके साथ आपका फ्यूचर है, वो आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ हैं। ओके, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आपका मैरिज होते हुए मैं देख पा रही हूँ, बेबी का वेट है, गुड न्यूज़ का वेट है, वो आपको मिलेगा। सो गाइस इनका मैसेज देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये। यू आर माई अदर हाफ, डेफिनेटली आप इनके अदर हाफ हो, यही बता रहे हैं, आपको कह रहे हैं, आई लव टू टिकल योर फेट, यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज, द स्पार्कल इन योर आईज मेक्स माई डे, आपकी आंखों की चमक इनका दिन बना देता है, यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, यू आर ऑनेस्ट विथ मी, वाओ ब्यूटिफुल मैसेज।
यू होल्ड द की टू माई हार्ट। तो गाइस ये है आपके पर्सन का मैसेज ऐसा आपके लिए, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का मैसेज ऐसा आपके लिए। जो पर्सन आपके लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं या आ रहे हैं या जो पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में हैं उनका मैसेज आपके लिए। कैसी लगी रीडिंग आपको ज़रूर बताइएगा मुझे। तो बाय, टेक केयर, अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो बाय, लव यू।